दोस्तों नमस्ते, मैं निश्चय में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय स्कूल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर के जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, आज दोपहर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोचिए, सबके लिए है, ठीक है। तो देखती हूँ, करेज, क्लिंजिंग टू द पास्ट। ट्रैवलिंग, पॉलिटिक्स, देखिए, एंड ट्रस्ट, थंडर बोल्ट, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, हीरो ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, of swords, queen of pentacles, one of the decks, say ten of pentacles, साइन एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग साइन है मैंने बता दिया आपको, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आप दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हो रही है या होने वाली है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करेज की भी एनर्जी आई है, क्लिंजिंग टू द पास्ट। कोई है जो पास्ट से नहीं निकल पा रहा है, ये आप ही हो सकते हो और आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर यानी हार्ड वर्क और इनके लाइफ में टावर, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे व्यूअर्स आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी बहुत मिच्योर है, ठीक है, इसके पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन ये मेरे साथ मजाक कर रहा है या कर रही है। ये कुछ व्यूअर्स आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, कि आपके साथ गलत हो रहा है।
और कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कॉल मैसेज किया हो, टैक्स किया हो, या उन्होंने आपको बुलाया हो मिलने को, ठीक है। लेकिन इतना दिख रहा है कि ये बंदा या बंदी जो है बहुत स्मार्ट और मैच्योर है। और देखिए यहाँ पे करेज की एनर्जी आई है, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप हिम्मत जुटा रहे हो, ठीक है। बहुत सर्विस आप अंदर से हिम्मत जुटा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो आपके साथ जो गलती हुई है, जो आपके साथ धोखा चीट हुआ है, आपके साथ न्याय हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस, आप हिम्मत जुटा रहे हो कि आप खुद के लिए, रिश्ते के लिए या न्याय के लिए आप लड़ोगे। तो कुछ व्यूअर्स आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो है आपके साथ खुद की लड़ाई, ठीक है। अब खुद की लड़ाई मीन्स क्या? खुद की लड़ाई मीन्स आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आप हिम्मत जुटा रहे हो, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, अगर आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, तो इतना याद रखिए ये पास्ट ब्लॉकेज लेकर आता है। यहाँ पे कुछ फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको ट्रैवल कर आपको बुला रहे हैं कि आप मिलने जाओ, या वो मिलने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टावर आने वाला है, टावर फाइटिंग, झगड़े, ठीक है। और किसी को यहाँ पे चीट किया जा रहा है, किसी के पार्टनर यहाँ आपको धोखा भी दे रहे हैं। और ये बंदा आप एज में बड़ा भी हो सकता है, या आप एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये बंदा है बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, अपने जिद, अपने ईगो से अपने काम को मनवाता है या मनवाती है, जो भी आपके पार्टनर हैं। क्योंकि यार 10 of Swords है, और यहाँ पॉलिटिक्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये बंदा आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके साथ बैक स्टेप कर रहा है, और वो डिसीजन नहीं ले रहा है। देख लीजिए ये किन की एनर्जी है, प्लीज़ इस एनर्जी को कैच कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, ये पूरी एनर्जी आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड 10 of Swords ये कह रहा है कि यहाँ पे किसी के साथ धोखा हो रहा है, और आप उन्हें बार बार अगर मौका दे रहे हो, तो यहाँ पे आप सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बंदा इस वक्त आपके साथ मजाक कर रहा है। 10 of Swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पॉलिटिक्स। कुछ वर्ष अगर आप ट्रैवल कर जा रहे हो मिलने, या फिर वो आ रहे हैं आपके साथ, टावर आने वाला है, फाइटिंग होने वाली, तो इनके लिए है अवेयरनेस की एनर्जी, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, और जोर जबरदस्ती से आपको एनर्जी नहीं लेनी है, नहीं फिट बैठानी है, ठीक है। अपना एनर्जी खुद पिक करना सीखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ष आपके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप अवेयर रहिए और पास्ट निकलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आप न्याय की गुहार लगा रहे हो, वैसे आप अपने अंदर हिम्मत जुटाइए और न्याय के लिए खड़ा होइए। अगर आपके साथ धोखा और पॉलिटिक्स मजाक बनाया जा रहा है आपको, ठीक है, तो कुछ लोग भाई अवेयर रहिए। मैंने वीडियो को सुबह में भी बनाया है, अवेयर रहिए, रात या किसी समय भी वीडियो में मैंने बोला अवेयर रहिए। आप अभी अवेयरनेस की एनर्जी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, और जान बुझे कुएं में कूद रहे हो, तो कोई क्या कर सकता है। यह आपका पास्ट कर्मा हो सकता है, आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ये आपके लाइफ के ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी, अपने लाइफ, अपने सिचुएशन को देखिए और एनर्जी को पिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को, किसी की सच्चाई आने वाली है, फाइटिंग झगड़े होने वाले हैं, और यहाँ पे किसी के साथ मजाक किया जा रहा है, और ये बंदा बहुत स्मार्ट है, जो पैसा के पीछे भागता है, ये भागती है, ठीक है। जो भी ये बंदा बंदी है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पैसे से उन्हें बहुत प्यार है, सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो उस बंदा को या बंदी को पैसे से प्यार है, ठीक है। ईश्वर, यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है, अब आपको एनर्जी लेना है, लीजिए, आपको गाइडेंस फॉलो करना है, फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, या आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे किसी की सच्चाई आई है, आने वाली है, और आपके साथ बैक स्टेप किया जा रहा है। तो जिनकी एनर्जी है आपको लग रहा है, तो आप लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा पास्ट में हैं, पास्ट क्लिंगिंग टू द पास्ट। जब तक आप पास्ट से नहीं निकलेंगे, वो तो ब्लॉकेज होगा ही, ठीक है, स्ट्रेस होता ही है,
वही तो कहते हैं कि हम पास्ट में क्यों जीते हैं। पास्ट क्या जीने देता है, पास्ट क्या खुशी देता है, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ इस वक्त गलत हो रहा है। ठीक है, और खुद पर विश्वास करना सीखिए, नहीं तो थंडर बोल्ड, यहाँ भी टावर, यहाँ भी टावर। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ टावर आने वाला है आप दोनों के बीच में भी। खुद पर विश्वास करना सीखिए, ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, करेज एंड ट्रस्ट। ठीक है, अब इतने सारे लोगों में जो एनर्जी आपसे मैच होती है वही लीजिए, किनके साथ क्या हो रहा है ये आप जान सकते हो। तो इतना तो ये तय है, करेज और ट्रस्ट यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट से निकलिए, जस्टिस मैनिफेस्ट करें वो कीजिए, लेकिन आंख मूंद पर मूंद कर, आंख पर पट्टी लगाकर हर चीज में छलांग नहीं मारना चाहिए। कुछ वर्ष आपको, आप दोनों के बीच में टावर आएगा, या फिर आपको किसी की सच्चाई सामने आने वाली है, जहां कुछ आपको भी झटका मिलने वाले हैं, यहाँ ये एनर्जी है, इसलिए सावधान हो जाइए। अब उस बार बार मैं देख रही हूँ बहुत सारे व्यक्ति बार बार वही छलांग मार रहे हैं, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। तो कुछ व्यक्त चाहिए तो लीजिए, वो इंसान आपके साथ बैक स्टेप कर रहा है, वो इंसान पैसे चाहिए, पैसे का जो इंसान भूखा होता है उसको सिर्फ पैसा चाहिए। ये मेल और फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं उन्हें पैसा चाहिए। ठीक है, अपने लाइफ के सिचुएशन को वो छुपाएंगे, लेकिन आपके लाइफ के सिचुएशन, आपके लाइफ में क्या आ रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बंदा अभी भी थोड़ा जिद है, इसके मन में, इमोशंस में अभी भी जिद है, परफेक्ट एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक काम नहीं हो रहा और उनके इशारा पे आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये बंदा क्या कहना चाहता है आपको, इसके लाइफ में काम का प्रेशर है, ये काम कर रहा है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है या कर रही है, कान अपने पैसे पे फोकस कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये काम का प्रेशर आपको सुना सकता है या सुना सकती है कि जिंदगी इतनी आसान है तुम जितना समझते हो या समझती हो, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। इतना आसान जिंदगी नहीं है कि मैं अचानक से डिसीजन ले लूं। ठीक है, आपके पार्टनर यहां पलटू महाराज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सोच समझकर चलने वाला इंसान है, इसलिए इस वक्त इसके लिए पैसे मायने रखते हैं और इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, और इनके मन में जो आपके प्रति है इनके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हो। तो पहले तो इन्होंने प्लानिंग कर ली है, एडवेंचर की भी एनर्जी है। ठीक है, एडवेंचर की एनर्जी है और यहाँ पे ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको कुछ भी डाउट है होने दीजिए, आप सही हो, वो उनकी सोच है, आप पर वो शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आपके पार्टनर खुद गलत है और आपको कह रहे हैं कि तुम मुझे बैक स्टेप कर रहे हो, तो ये आप पे जो शक कर रहे हैं ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप पे ही डाउट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली एनर्जी क्या होगी, गलत तो वो कर रहे हैं और सीधा जोड़ी भी करेंगे कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, ये आपको ब्लेम करके आपसे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो भी है ये आपको ही ब्लेम करके आपको फाइट कर सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रही हो, तुम मेरे साथ बैक स्टेप कर रही हो या कर रहे हो, ये आपके साथ कहकर ये फाइट कर सकते हैं। इसलिए ये पलटू महाराज है, इस वक्त ये पलट गए, तो अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो ये आपको बदनाम कर देंगे, आपको ब्लेम कर देंगे, कि इनका बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह की एनर्जी है ये आपसे फाइट भी करने वाले हैं। ठीक है, ये फाइट भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे करेज और ट्रस्ट आया है आपके लिए। ठीक है, ये करेज, ये ट्रस्ट आया है आपके लिए, एडवेंचर आया है आपके लिए, आपके लाइफ में डिसीजन के लिए, खुद पर विश्वास करने के लिए, पास्ट से निकलने के लिए। ठीक है, आपके साथ जस्टिस इनजस्टिस जो भी आप देख रहे हो रहा है, लेकिन इतना याद रखिए, अगर आप जस्टिस की गुहार कर रहे हो तो आप अपने जीवन में खुद पर विश्वास करना सीखिए, चीजें मैनिफेस्ट करना सीखिए। ठीक है, तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर ही आपके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आप पर ही शक कर रहे हैं, आप पे ही डाउट कर रहे हैं।
क्योंकि क्योंकि मैं बता रही हूं, क्योंकि इस बंदा इस बंदी को जो इनकी चाहत है, जो इनकी मांग है, जो आपसे रिलेटेड इनकी सोच है, वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, ये सोच इनकी पूरी नहीं हो रही है और ईगो भी है, ऐसा नहीं, जिद्दी भी है, ईगो भी है और चीजें भी छुपा रही है, आपसे शेयर नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। लेकिन आप देखो, यहां भी पेंटिकल्स है। ठीक है, तो देखिए, इनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे उन्होंने किसी तरह का हेल्प मांग रहे हो और आप हेल्प नहीं कर रहे हो, उन पे भी उनको डाउट हो रहा है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे हो, वो वाली वाइब्रेशन है। तो देखिए, ये बंदा फाइट करेगा या करेगी, ठीक है, ये उल्टा आप ही को ब्लेम करेगा, आप ही को बदनाम करेगा या करेगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है। ठीक है, इनके मन में जो प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग है, अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो आपको ब्लेम करेंगे, फाइट करेंगे, टावर लाएंगे। तो आज की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं पलटू महाराज हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या आ रही है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है। अब यहाँ पे कौन है आप देख सकते हो, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है आप दोनों के बीच में, आपके अलावे, चाहे पेरेंट्स हो या थर्ड पार्टी हो या वर्क प्लेस पे हो, या पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी तो यहाँ है, वर्क प्लेस पे भी कोई है, आपके पार्टनर के लाइफ में वर्क प्लेस पे भी कोई है। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप ऑफिस जाते हो, तो इनको यहाँ भी शक हो रहा है कि आप किसी से बात करते हो, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको लाइक करता है, ये भी आपको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर भी वर्क प्लेस पे बिजी रहते हैं। ठीक है, कोई है यहाँ, लेकिन इनको समझाने वाला कोई नहीं है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, दोनों को अलग करने वाला बहुत लोग हैं। आपका दिल जितना भी साफ हो वो मायने नहीं रखता। दिल साफ रखे हो, जरूरत से ज्यादा आप दिए हो, उसकी सजा आपको मिल रही है। ठीक है, आपकी इमोशंस जो है ना, इनके लिए मेंटली सपोर्ट का काम करता है। वो आपसे हाय हेलो कॉल मैसेज भी कर लेंगे तो उनकी हीलिंग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपने उन्हें भाव नहीं दिया, उस मैसेज का जवाब नहीं दिया और आपने अपने तरफ से जेस्चर देना शुरू नहीं किया, एक्शन लेना शुरू नहीं किया, फिर वही चीज हो गई, अब आपको ब्लेम करेंगे। जबकि वो गलत आपके साथ कर रहे हैं, वो आपके साथ चीट कर रहे हैं और ये आपको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ख्याल बार बार आ रहा है, ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेंटली सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ कोई है, आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई है। अगर देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई इन्हें समझा सकता भी है तो ये समझने वाला व्यक्ति या इंसान नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा कोई समझा भी रहा है, ये बंदा समझने की कोशिश नहीं कर रहा, या बंदी जो भी हो, तो इन्होंने मन बना लिया है बाबू, तो थोड़ा सा खुद पर विश्वास करना सीख जाइए, या आपको ब्लेम करेंगे, जबकि यहाँ पे आपको आपकी गलती नहीं है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, किसी से बातचीत भी कर रहे हो, तो भी इनको डाउट हो रहा है। एक बहाना निकाल कर एक राय का पहाड़ बनाएंगे ये, बिना बेवजह आपको ट्रिगर करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि इनके मन के मुताबिक आपने काम नहीं किया तो फिर आप पर डाउट, मिसजज, मिसबिहेव, डाउट, फाइटिंग, छोड़ने की धमकी, मूव ऑन करने की धमकी, ब्लॉक करना, और इवन कि पैसा, आप पैसा नहीं दे रहे हो। आप उनको पैसे की जरूरत है तो भी आप पैसा नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि वो मतलब एकदम क्या कंगाल हो चुके हैं, झूठ बात, एकदम कंगाल नहीं है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी खासी है, लेकिन एक इंसान को लेने का आदत हो जाता है। ठीक है, वही बात एनर्जी यहाँ पे है, पैसा, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, वही वाली एनर्जी है। कुछ पैसा भी है यहाँ पे, ठीक है,
यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, क्या ऐसा गाना है ना ये। तो भैया इनके लाइफ में इनकी फैमिली, सोसाइटी, समाज, इमेज और पैसा बहुत बड़ी बात। अगर आप इनके हाथ की कठपुतली हो, वो अगर आप नहीं नाच रहे हो, उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हो, तो आप तैयार हो जाइए कि आप उन पे क्या डाउट करेंगे, यही आपको ब्लेम करेंगे। देख लीजिए इस इंसान की नियत। तो प्लीज ऐसे इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करके रहें तो ही अच्छा है। खुद पर विश्वास करना सीखे तो ही अच्छा है, ऊपर वाले पे विश्वास करें तो ही अच्छा है। पास्ट से निकलने की कोशिश करें, हिम्मत जुटाएं, प्रेयर प्रार्थना करें। अगर जस्टिस की गुहार लगा रहे हो तो ऊपर वाला भी आपका सुन रहा है, लेकिन सबका एक डिवाइनिंग टाइम होता है, ठीक है, सबका एक डिवाइनिंग टाइम होता है। आप अपना कर्म करते जाइए और जस्टिस की गुहार ऊपर वाले से लगाते रहिए, चीजें मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जो गाइडेंस है भाई आप ले लीजिए, जो आपको ऊपर वाले की तरफ से जो इशारा मिल रहा है समझ जाइए। आगे आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, ठीक है। ऊपर वाला भी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ये देखिए माध्यम किसे बनाता है, माध्यम किसे बनाता है, आपको, मुझको, हर किसी को। अब उस माध्यम के अनुसार चीजें को आपको गाइड किया जा रहा है। अगर उस चीज को आप नहीं लोगे तो ना ऊपर वाला जानता है ना हम सब जानते हैं। वो प्रश्न आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं खुलकर बात करती हूँ, परफेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब आपका डिसीजन है क्या करना है। ये बंदा आपके साथ ऐसा कर रहा है और तैयार हो जाइए, आपको ब्लेम भी करेगा, क्योंकि अगर आप उनके अनुसार काम कर लिए तो आप बहुत बढ़िया हो, नहीं तो आप उनके आंखें कठपुतली बन कर रहो, ठीक है। ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। पेरेंट्स देखिए कोई है आप दोनों के बीच में, पहले पेरेंट्स इशू भी आ रहे हैं, और देखिए चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्ट्रगल भी काफ़ी दिख रहा है, चीज़ें भी अभी काफ़ी चीज़ें छुपाई जा रही है, प्लानिंग हो रही है आपकी तरफ बढ़ने का। व्हील ऑफ फॉर्च एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। पलटू महाराज, तो देखिए यहाँ जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी बात है। पहली बात करेज, ट्रस्ट एंड द हाई प्रिस्टेस, ये आपके लिए है। अपना इंट्यूशन को फॉलो करें। ये कार्ड क्यों गिरा, ये कार्ड जंप क्यों किया, ये आपके लिए किया गया है। चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो या आपकी खामोशी हो, यहाँ पे आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपने आप को गाइड करना है, ठीक है, खुद पर विश्वास करते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अपना इंट्यूशन को जरूर सुने। और बहुत सारे भी देखिए ट्रैवल, या हो सकता है वो आपको अपनी ओर बोले कि तुम आओ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्या मैं कार्ड दिखाऊं। कुछ और से आपके पार्टनर मैरिड हैं, कुछ आप मैरिड हो, पहली बार ट्रैवल की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स है, ये सेवन ऑफ कप्स कह रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ फ्लर्ट कर रहे हैं और आपके साथ भी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, मतलब गेम खेल रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड भी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज्ड की एनर्जी ना दिखाकर ये पॉलिटिक्स को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग कर रहे हैं, फ्लर्टिंग नेचर के हैं, या ये आपको ब्लेम कर सकते हैं कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, खामोश है, तो यहाँ आपकी गलती कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ इनका मन का थॉट्स है जो गंदगी दिमाग में चल रहा है, जो कि खुद बंदा या बंदी फ्लर्ट करता है या करती है, वो खुद आपको ब्लेम कर रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है या आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बंदा इस वक्त आपके साथ मजाक कर रहा है, ठीक है, और आपको ब्लेम कर सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में
तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, जानबूझकर मतलब नहीं होता है, इनके काम नहीं बनेंगे, इनके काम नहीं बनेंगे, तो आप देखिए आपके साथ ये क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। वही वाली बात है, जोर जबरदस्ती करना, बिना बेवजह लड़ाई झगड़े करना, उनके मन के मुताबिक काम नहीं होगा तो आपको ये ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये बंदा कुछ भी बोलकर आपको रुला सकते हैं और आपको ही कह सकते हैं कि तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। तो ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और बदनाम आपको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फिर आपकी खामोशी, आपको खुद पर फोकस करना भी ये चीज़ उनके ऊपर असर कर रहा है, और आप किसी तरह का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी तरह का शो नहीं कर रहे हो, ये भी एक असर हो रहा है, तो आपको ये ब्लेम कर रहे हैं। तो तैयार रहिए इस पर्सन से बचने के लिए या अवेयर रहने के लिए। फाइटिंग है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है, साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी आ चुके हैं, ठीक है, मीन कर्क और वृश्चिक राशि भी यहाँ पे है। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो चीजें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, लेकिन कार्ड देखिए पीछे भी दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड मैं लूंगी नहीं, क्योंकि मैं फिर सही से कर नेक्स्ट एक्शन के लिए निकालूंगी। नाइन ऑफ कप्स आया, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बट हो सकता है बहुत सारे वेस आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं या आपको बुला रहे हैं नेक्स्ट एक्शन। बावरी नेक्स्ट एक्शन में भी देखिए क्या आ रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं, नेक्स्ट एक्शन में भी क्या आ रहा है आप देख सकते हो, देख लो, देख लीजिए नेक्स्ट एक्शन में क्या, कार्ड्स जितने आए हैं क्या गाइड कर रहे हैं आपको, कहाँ सिचुएशन आपको लग रहा है इस इंसान के अंदर इतनी बड़ी हीलिंग, इतनी खूबसूरती है, हर जगह ट्रिगर हो रहा है, तो बचिएगा, बस आज की एनर्जी है कि आपको बचना है, इनसे बहस भी नहीं करना है, बहस करोगे तो बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं इनसे बहस करने का, चुप्पी खामोशी के साथ जवाब दीजिए, जो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अवेयर रहिए, आपके पार्टनर की एनर्जी सही नहीं है तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है, और ट्रैवल देख लीजिए, ट्रैवल भी है, हो सकता है आप भी जा रहे हो मिलने या वो आ रहे हैं आपसे मिलने। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।